नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पे आज हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। दर्पण का यह आखिरी टॉपिक है और इसके बाद हम दर्पण के सूत्र और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए ये चुटकियों में हल हो जाता है। सबसे पहली बात आती है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई अगर दर्पण होगा, जैसे कोई दर्पण होगा तो उसका एक मुख्य अक्ष होगा, बस रफ कार्य के लिए समझा रहा हूँ। और इसके जब हम यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने, तो कहीं ना कहीं पे जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है एक रफ कार्य के हिसाब से। अच्छा, तो रेखीय आवर्धन क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो जाहिर सी बात है कि भाई दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पर बनेगा। और रेखीय आवर्धन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है कि मुख्य अक्ष इसका ये होगा। ये तो मैंने रफ कार्य के लिए ऐसे बना दिया है, बाकी आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष जो इसको दो भागों में बराबर भागों में विभाजित कर दे। तो भाई गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, भाई ये देखो ये मुख्य अक्ष है तो वस्तु लंबवत है कि नहीं। जैसे कोई रेखा है तो लंबवत का मतलब कोई वस्तु ऐसी हो जो 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, अर्थात मुख्य अक्ष के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। आसान बात है। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर, तथा वस्तु यानी ये जो है, ये वस्तु जो हमने रखा है इसे दूसरे नाम से हम बिंब के नाम से भी जानते हैं, यानी बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में आप केवल इतना कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात यानी बटे को रेखीय आवर्धन कहते हैं, एक शब्द में अगर आप कहना चाहें। अब रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई हम यच डैश लिखते हैं, यच डैश से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पे आई और ओ से भी प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन बात दूसरी है। यहाँ पे हाइट, यच का मतलब हाइट है, इस यच का मतलब है ये जो वस्तु रखी है इसकी लंबाई, और ये यच डैश का मतलब है ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी लंबाई। तो यच डैश अपान यच, और ये आपका सूत्र हो जाएगा रेखीय आवर्धन का। आसान बात थी, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और आपको लिखना इसे इस तरह से है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इस माध्यम से। अब इसका सूत्र निकाल लेते हैं कि भाई पता कैसे चले सूत्र यम बराबर होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है आवर्धन के लिए सूत्र। चित्र हमने पहले से ही बना दिया है, ध्यान से समझिए कि कोई हमारे पास अब तल दर्पण है जिसका ये द्वारक है यम1 यम2, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस यफ है, तथा वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। और दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी हमने रखी हुई है, ये इसका मुख्य अक्ष है ना, तो इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु ए बी रखी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, और ये दर्पण के सामने है, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। अगर प्रकाश किरणों की बात करें तो ये पहली प्रकाश की किरण थी जो मुख्य अक्ष के समांतर थी, दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पे ये तीर हमारा थोड़ा सा गलत बन गया था तो हमने इसको बड़ा बना दिया, यानी ये तीर प्रदर्शित कर रहा है कि प्रकाश की किरण इस तरफ चली जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से लाए थे, जो जिस मार्ग पर जाएगी उसी मार्ग से
वापस लौट जाएगी। और एक प्रकाश की किरण हमने ये डैश 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 करके बनाया है जो कि हमारी गिरती है दर्पण के ध्रुव पर। अब आप जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव पर जो प्रकाश की किरण गिरती है जितने कोण का बनाती हुई आती है उतने ही कोण के साथ वो वापस लौट जाती है। यानी अगर यहाँ का कोण 40 अंश है तो यहाँ का कोण भी 40 अंश होगा। आसान बात है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान दें तो प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण आती है और ऐसे चली जाती है और यहाँ पर एक अभिलंब होता है। ठीक है, देखिए एक प्रकाश की किरण आई और चली गई और इस पर ये अभिलंब का काम कर रहा है। ये पी बी जो रेखा है ये रेखा इसके लिए अभिलंब है पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन वाला, कि ये भी कोण आई और कोण आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, और इनके बीच में एक अभिलंब होता है। तो यहाँ पर भी ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और इनके बीच जो अभिलंब है वो पी बी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर होगा कोण बी पी, आप यहाँ पे इस रेखा का भी कोई नाम दे दीजिए, नाम देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ए डैश है, ये ए डैश। तो हम कह सकते हैं कि बी पी ए डैश के, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पे लिखते हैं कोण को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा तिरछा यल ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होगा किसके, कोण बी पी ए डैश के, बी पी ए डैश के। क्यों? क्योंकि भाई ये परावर्तन के नियम से है। कहाँ से? परावर्तन के नियम से। आसान बात है। एक चीज़ और देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज की ए बी पी, यानी इस त्रिभुज की ए बी पी की, ए पी बी की और यहाँ पे ए डैश बी डैश पी की, यानी इस वाले त्रिभुज की, तो पूरा का पूरा मिला के सीधा सीधा एक बात कहूँ, अभी त्रिभुज पर नहीं चलते हैं, सिर्फ मैंने एक बार संकेत दिया आपको। देखिए ये इस पर ये लंब है, इस मुख्य अक्ष पर ये रेखा लंब है और जब कोई रेखा किसी रेखा पर कोई लंब होता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो इस मुख्य अक्ष पर यानी पी बी पर ये ए बी लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। अच्छा थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये तो मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये जो बी है ये बी डैश ए डैश ये भी मुख्य अक्ष पर लंब है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बी कोण इस बी डैश के बराबर है क्योंकि दोनों लंब हैं और लंब होने की वजह से दोनों 90 डिग्री के हैं। तो जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ए बी पी, जिस कोण को प्रदर्शित करना है उसे बीच में रखिए, तो हम कह सकते हैं कोण ए बी पी, ए बी पी बराबर होगा कोण किसके, ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। भाई क्यों बराबर होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों क्या हैं, समकोण हैं। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आसान बात थी। अब थोड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया और सिद्ध भी हो गया, ख़त्म कहानी हो गई। त्रिभुज आपको वही लेना है जो अभी मैंने संकेत दिया था कि बी ए पी, यानी ये त्रिभुज यहाँ से ये ऐसे, तो हम कहते हैं भाई त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल होता है, आप ऐसे त्रिभुज बना दीजिए, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज ले लें, ए डैश बी डैश पी, तो भाई ए डैश बी डैश पी। अब देखिए इसे हम बड़ा ना करके यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि देखिए ये वाला त्रिभुज ए बी पी, यानी ये वाला त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, जहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और ये वाला त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और दोनों के दोनों त्रिभुजों के एक कोण समकोण है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश
सॉरी पी, ये क्या है? समकोणिक है, समकोणिक है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए। और जब समकोणिक है तो इसका लंब बटे इसका लंब कर सकते हैं और इसका आधार बटे इसका आधार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए इसका लंब क्या है? ए बी। इसका लंब क्या है? बी डैश ए डैश। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे, सॉरी छोटे वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अभी बड़ा पड़ेगा तो हमको मानने में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि इसका लंब क्या है भाई? ए डैश बी डैश, और फिर बड़ा वाला, बड़ा वाला क्या क्या है कि ए बी, ए डैश बी डैश, इसका लंब बटे इसका लंब। अब इसका आधार बी पी और इसका आधार बी डैश पी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी बी डैश, पहले छोटे वाले का, बराबर होगा पी बी डैश के अपान इसका पूरे का पूरा बड़ा वाला, ये पी बी, पी बी के, कब? जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समकोणिक होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए एक बात और, ध्यान से समझ लीजिए बस। देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश ये क्या है? ए डैश बी डैश ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई है। अच्छा ए बी क्या है? ये ए बी क्या है? ये वस्तु की लंबाई है कि वस्तु कितनी बड़ी है। पी बी डैश, पी से बी डैश ये क्या है? ये दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है कि भाई ये यहाँ से इतनी दूरी पर प्रतिबिंब है। और पी बी क्या है? पी बी ये दर्पण से जो वस्तु रखी है उसकी दूरी है। ध्यान से समझ लिया, सिद्ध हो गया। देखो कैसे करना है, हम लिखेंगे कि माना वस्तु की लंबाई, ये जो ए बी है ये हमारी वस्तु की लंबाई है ना। एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लीजिए, ये आप लोगों ने ग्राफ सुना होगा, ये ग्राफ जिसके दाईं ओर प्लस का वन प्लस का टू प्लस का थ्री, यानी दाहिनी ओर प्लस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है, बाईं ओर माइनस होता है और नीचे की ओर भी माइनस होता है, इस बात को जानते हैं? और जो दर्पण होता है ना वो हमेशा इसके मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यहाँ पर, ठीक है? यानी दर्पण के इस तरफ आएंगे तो इस तरफ देखिए माइनस है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने पर माइनस, और दाईं ओर जाएंगे तो इस तरफ प्लस होता है। ये मैंने चिन्ह परिपाटी में समझाया था लेकिन फिर से एक बार समझा दिया, ठीक है? यानी दर्पण कहाँ रखा जाता है? मूल बिंदु पर। अब ध्यान से समझिए कि माना वस्तु की लंबाई ए बी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे तो ए बी, देखिए ए बी ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जा रहा है, और जब ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे? भाई प्लस मिलेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर, ये देखिए ऊपर की ओर प्लस होता है। तो हम वस्तु की लंबाई को तो यच से प्रदर्शित करते हैं, और जो यच होगा वो प्लस का यच होगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या है? ए बी डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको भी लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश, ये देखिए ए डैश बी डैश। अब ये किस तरफ है? ये तीर ये नीचे की ओर है, अर्थात वस्तु उल्टी बनी हुई है ना, तो उल्टा यानी नीचे की ओर आएंगे तो माइनस, अर्थात ये जो यच होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को हम यच डैश से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये यच डैश माइनस में होगा क्योंकि नीचे की ओर है। अब बचता क्या है? पी बी डैश। तो पी बी डैश को भी देखते हैं, ये पी बी डैश यानी पी बी डैश क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं V से, लेकिन ये दर्पण के किस तरफ? बाईं ओर, बाईं ओर है तो माइनस में, अर्थात दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये पी बी डैश है, और पी बी डैश चूँकि बाईं ओर है पहले इसको V लिखेंगे, और बाईं ओर होने की वजह से ये माइनस में हो जाएगा। लास्ट चीज़ बचती है पी बी। पी बी क्या है? पी बी ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, तो इसको लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी पी बी बराबर होगा, देखिए वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं यू से, लेकिन ये दर्पण के बाईं ओर है तो इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का यू। आसान बात थी, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर एक। अब क्या कीजिए? कुछ मत कीजिए, सभी मान उठाकर समीकरण एक में रख दीजिए। हमने ए बी डैश का भी मान निकाला, ये ए बी का मान निकाला, पी बी डैश का मान निकाला, और पी बी का मान निकाला, तो सभी मान उठा करके समीकरण एक में रख दीजिए। तो सभी मान समीकरण एक में रखने पर देखिए
ए बी डैश, सबसे पहले ए बी डैश का मान कहाँ है भाई, ए बी डैश ये है, ए बी डैश का मान होगा माइनस का यच, फिर उसके बाद बटे ए बी, ए बी का मान कहाँ है ये है, ए बी का मान है यच, फिर बराबर पी बी डैश, पी बी डैश का मान कहाँ पे है भाई, पी बी डैश इसका मान है माइनस का वी, और फिर पी बी, पी बी का मान कितना माइनस का यू, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, सॉरी एक यच डैश है माइनस में प्रतिबिंब की लंबाई ए बी डैश, ए बी डैश ये डैश होगा इस तरह से, ए बी के स्थान पे ए बी डैश यानी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के स्थान पे माइनस यच डैश है, यहाँ पे माइनस यच डैश। अब ये वाला माइनस चला जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा यच डैश यच बराबर वी अपान यू, लेकिन माइनस में क्योंकि इधर वाला माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब हम एक बात और जानते हैं कि यच डैश यच बराबर होता है यम के, हमने अभी अभी पढ़ा था ना, तो हम कह सकते हैं कि यम बराबर होता है, क्या होता है यच डैश यच के स्थान पर हमने रख दिया यम, तो क्या होता है माइनस का वी अपान यू, और ये होता है आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र। और अगर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको और लिख सकते हैं किस तरह से, कि यम बराबर यच डैश यच और बराबर वी अपान यू माइनस में, जहाँ पे यम रेखीय आवर्धन है, ठीक है। ये क्या है रेखीय आवर्धन, आसान बात थी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होगा, ठीक है, ये जो प्लस में है ये धनात्मक होगा। तो चलिए उस बात को न्यूमेरिकल में समझेंगे, इस तरह से हमने सूत्र सिद्ध कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम दर्पण के सूत्र और उस पर जितने न्यूमेरिकल हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे, तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर, और हाँ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।